कनाडा की सियासत में बड़ा भूचाल आ गया है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार को झटका लगा है। कनाडा में चल रही ट्रूडो की गठबंधन सरकार के अहम सहयोगी जगमीत सिंह ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। खालिस्तान समर्थक न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी की ट्रूडो की लिबरल पार्टी के साथ राहें जुदा हो गई हैं। हालांकि ये सब कुछ इतना आसानी से नहीं हुआ है, बल्कि एनडीपी चीफ जगमीत सिंह ने ट्रूडो पर कई आरोप लगाते हुए अपना समर्थन वापस लिया है। जगमीत सिंह ने कनाडाई पीएम पर कंजर्वेटिव पार्टी से पिछड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लिबरल पार्टी के लोग इतने कमजोर और स्वार्थी हो गए थे कि वो कनाडा के लोगों के लिए लड़ नहीं सकते। ट्रूडो ने कॉरपोरेट के आगे घुटने टेक दिए हैं। अब वह एक और मौके के हकदार नहीं है। वह उनके साथ हुए समझौते को रद्दी की टोकरी में फेंकने जा रहे हैं। ऐसे में अब ट्रूडो सरकार फिर से कमजोर हो गई है। सरकार चलाने के लिए उसे दूसरी पार्टियों का रुख करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। एनडीपी ने बीते 2.5 सालों से ट्रूडो सरकार को समर्थन दिया हुआ था, इस कारण ट्रूडो सत्ता में बने हुए थे। लिबरल पार्टी पिछले 2 चुनावों से गठबंधन के सहारे ही सत्ता में बनी हुई है। अगर ट्रूडो सरकार बचाने में कामयाब नहीं होते तो साफ है कि जल्द ही कनाडा में तय समय पहले चुनावी बिगुल बज सकता है। ट्रूडो सरकार को झटका देने वाले एनडीपी के चीफ जगमीत सिंह ने साफ कहा कि पूरे विश्वास के साथ कनाडाई संसद में अविश्वास प्रस्ताव को लाएंगे। ऐसे में आने वाले दिन ट्रूडो और उसकी सरकार के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। अगर ट्रूडो विपक्षी पार्टियों के साथ जोड़तोड़ करने में कामयाब रहते हैं तो वे कुछ और समय के लिए पीएम पद पर रह सकते हैं। गौरतलब है कि कनाडा में महंगाई, आवास से जुड़े मुद्दों को लेकर लोगों में निराशा बढ़ी है। चुनावों में भी इसकी झलक साफ तौर से देखने को मिली है। कनाडाई संसद पर नजर डालें तो ट्रूडो की पार्टी के पास 130 सीटें हैं। पीएम बने रहने के लिए पार्टी को 9 सीटें और चाहिए। 24 सीटों वाली एनडीपी ने अब समर्थन देने वाला हाथ खींच लिया है। ऐसे में अब ट्रूडो को 32 सीटों वाली क्यूबेक पार्टी का साथ चाहिए होगा। विपक्षी दल कंजर्वेटिव के पास 119 सीटें हैं। सर्वे के मुताबिक चुनाव होते हैं तो कंजर्वेटिव पार्टी जीत सकती है, इसलिए पीएम ट्रूडो चुनाव टालने के मूड में है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि कनाडा की राजनीति में भूचाल लाने वाले एनडीपी चीफ जगमीत सिंह कौन है, जो खुद को अगले चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद की रेस में बता रहे हैं। जगमीत सिंह साल 2017 से एनडीपी के चीफ है। उनका जन्म साल 1989 में कनाडा के ओंटारियो में हुआ था। उनके माता पिता बेहतर जीवन की तलाश में पंजाब से कनाडा बसे थे। जगमीत साल 2011 में संसद के सदस्य बने। भारत में हुए 1984 सिख विरोधी दंगे को लेकर जगमीत सिंह हमेशा से मुखर रहे हैं। जगमीत सिंह कनाडा में भारत विरोधी रैलियों में भी हिस्सा लेते रहे हैं। दावा है कि जगमीत को साल 2013 में भारत ने वीजा देने से इनकार किया था। उन पर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने और कट्टरपंथियों के साथ संबंध रखने का आरोप था। ऐसे में एनडीपी के अलग होने से ट्रूडो को अपनी सरकार चलाने के लिए नए गठबंधन की तलाश करनी पड़ रही है, जो उनके सियासी करियर की अग्नि परीक्षा से कम नहीं है।